नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का न्यूज 69 भारत में स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष समाचार मनीष कुमार झा के साथ। आइए चलते हैं खबरों की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे संवाददाताओं ने कौन से खबरों को प्रमुखता दी है। खबर बलियापुर से है। खबर बड़ी है क्योंकि बलियापुर थाना क्षेत्र इन दिनों अवैध कोयला तस्करों के लिए सुरक्षित अड्डा बनता जा रहा है। पिछले दिनों अंचल अधिकारी बलियापुर ने 10 अवैध कोयले से लदे ट्रक को पकड़ा। जो काम पुलिस को करना चाहिए वह काम अंचल अधिकारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि कोयला तस्कर वर्चस्व कायम करने के लिए आपस में लाठी डंडा भी चला रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार सुरंगा के खड़ाम मोहल्ला में दो कोयला तस्कर आपस में भिड़ गया। आरोप लगा कि एक तस्कर दूसरे से बेईमानी कर लिया। अंतिम समाचार मिलने तक किसी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है, लेकिन इससे यह तो जान पड़ता है कि चोर भी ईमानदारी से काम करना चाहता है, बेईमानी पर वह भी बरसता है। अब प्रश्न है, पुलिस क्या कर रही है? क्या वह तस्करों पर लगाम लगाने में नाकाम रही है? क्या वह ईमानदारी से काम करेगी? जिस ईमानदारी से तस्कर काम करना चाहते हैं, यदि इसी ईमानदारी से पुलिस काम करे तो फिर तस्करी क्यों, राजस्व की हानि क्यों? सवाल अनेक हैं जिसका जवाब हम भविष्य में ढूंढने का प्रयास करें।